सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन 3 के बारे में। तो इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स इंटरनेट पे थे कि इस मूवी में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, और फाइनली कुछ ऑफिशियल अपडेट्स निकल के आए हैं इस मूवी से रिलेटेड, जो कि इस मूवी के एक्टर्स ने की है। मैं इस वीडियो में इन्हीं सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं, और कैसे ये अपडेट्स ये प्रूव करते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स दिखने वाला है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो अगर आपको भी स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हाल ही में अल्फ्रेड मोलिना, जिन्होंने स्पाइडरमैन 2 में यानी कि टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले किया था, उनका एक इंटरव्यू सामने आया इंटरनेट पे, जो कि उन्होंने वैरायटी मैगजीन के साथ की है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो रिटर्न कर रहे हैं एज डॉक्टर ऑक्टोपस इन स्पाइडरमैन नो वे होम, और उन्होंने अपना पार्ट सूट भी कर लिया है। अगर आपने स्पाइडरमैन 2 देखी होगी टॉबी मैग्वायर वाली, तो उसमें डॉक्टर ऑक्टोपस लास्ट में मर जाता है, या फिर हमें दिखाया जाता है कि मर गया। तो अल्फ्रेड मोलिना ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि जहां से स्पाइडरमैन 2 में हमने डॉक्टर ऑक्टोपस के करेक्टर को छोड़ा था, वहीं से हम वापस उस करेक्टर को फॉलो करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम में। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस इंटरव्यू से ये कंफर्म होता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स दिखने वाला है, और सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं, इसके अलावा हमें टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन, इसके अलावा एंड्रू गारफील्ड का भी स्पाइडरमैन, अब ये कंफर्म समझिए कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाला है। इन सारे एक्टर्स के अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज से हमें जेमी फॉक्स भी वापस दिखेंगे अपने इलेक्ट्रो को रोल को वापस करते हुए, और टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स, इसके अलावा एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से भी बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखेंगे। तो मार्वल धीरे धीरे अपने मल्टीवर्स को सेटअप करेगा थ्रू स्पाइडरमैन 3 एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शूटिंग भी अब खत्म हो गई है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेम रेमी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन मूवीज को डायरेक्ट किया था। तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरवर्स दिखने वाला है, एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स। ये मूवी इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, पर इस मूवी से रिलेटेड कोई भी प्रोमो या फिर टीजर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। एक प्रोमो रिलीज किया गया था, पर वो मूवी से रिलेटेड नहीं था, वो प्रोमो बस इस मूवी के टाइटल को रिलीज करने के लिए था। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस मूवी से रिलेटेड हमें कुछ प्रोमोज या फिर टीजर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मार्वल के 2 और मूवीज आने वाले हैं इस साल, पहली मूवी शांग-ची एंड द 10 रिंग्स, इसके अलावा द इटर्नल्स, और इन दोनों से रिलेटेड भी कोई भी ट्रेलर या टीजर अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। तो हो सकता है मई के महीने में हमें इन मूवीज से रिलेटेड कुछ टीजर्स देखने को मिल जाए, क्योंकि उस महीने में कोई भी डिज्नी प्लस के शो नहीं आ रहे हैं। मैं होप करता हूँ कि जल्दी ही हमें इन मूवीज से रिलेटेड भी कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स देखने को मिले। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आप किस मार्वल प्रोजेक्ट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर, शांग-ची द 10 रिंग्स को लेकर, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर, या फिर द इटर्नल्स को लेकर? ये बात आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हूं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे 6000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।